क्या? ये तो कितना पतला और फिट था, अब ये कितना मोटा हो गया है। सुनो, तुम्हें फिर से खुद को फिट करना होगा बोबो बॉय। अब पानी की ताकत वाला बोबो बॉय फिट और हेल्दी है। अब क्या होगा, इसके भी तीन रूप है। बोबो बॉय, तुम्हें भी तीन में पटना होगा। पर बोबो बॉय नई ताकतों के साथ कभी तीन रूपों में नहीं आया है, अब उन्हें हराएंगे कैसे? पृथ्वी का खंभा 2.0। नहीं, जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है बोबो बॉय, तीन में बढ़ जाओ। इतने यकीन से मत बोलो, पृथ्वी की रुकावट। बोबो बॉय, तुम कभी तीन रूप में नहीं आ पाओगे। वो नहीं, अब हमारा क्या होगा? उसे जवाब दो बोबो बॉय। मैं नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। ए, इतना सब करने के बाद तुम अब हार मान रहे हो? हार मानो नहीं, कभी झुको नहीं और तुम जी जाओगे। तुम्हें है वो ताकत कि तुम कर पाओगे। बिल्कुल जी, मैं अभी हार नहीं मान सकता। ये क्या, तुम सब इसका हौसला बढ़ाने आए हो? बहुत ज्यादा शांति। वर्लपूल का हमला। अब तुम्हारी बारी है। पानी का हमला। तेज गति छुपा जो। अब तुम कहाँ जाओगे? पानी का फव्वारा। अपने स्टूडेंट को ट्रेन करके मैंने अच्छा किया। अब तुम्हारे शैतानी कारनामों का अंत होगा। नहीं बोबो बॉय, ऐसा मत करो। हाँ? बहुत हुआ, हम लोग हार मानते हैं। हाँ? ये मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी बातों में मत आओ, हो सकता है ये चाल हो। नहीं कसम खाता हूँ, मैं सच में हार मान रहा हूँ। तुम्हारी पानी की ताकत सच में अमेजिंग है। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं। ये सब मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना बब्बो बॉय? सही कह रहे हैं पापा जोला। अगर हम युद्ध करेंगे तो वक्त बर्बाद होगा, क्यों ना हम अभी रुक जाएं? दाल में कुछ काला है। क्या तुम सब एक ब्रेक लेना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक मंगवाता हूँ। क्या कहा, ड्रिंक्स? हाँ, लगता है वो अच्छा बन गया है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल, मैं भी ब्रेक लेना चाहूँगा। ठीक है, तुम ड्रिंक्स मंगवा लो। अभी लो, इनके लिए ड्रिंक लाओ ब्रो। ठीक है, ड्रिंक्स आ गई, ले लो एक ग्लास। ठीक है, पी जाओ पी जाओ। एंजॉय करो ना। एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा और दूध डाल सकते हो? कितनी बढ़िया है। मजे लेकर पियो, खूब पियो खूब पियो। बोबो बॉय, जल्दी से ये पियो।
इसने क्या किया? तुम्हें धोखा देना कितना आसान है। मैंने बोबो बॉय की पानी की ताकत इकट्ठा करके बोबो बॉट में डाल दी है। ये तो बुरा हुआ, मुझे पता था। कहा था ना यकीन मत करो। अब सब देखो कि मैं कैसे और भी ज्यादा ताकतवर बोबो बॉट वाटर बनाता हूँ। इससे पहले कि ये बदल जाए, इसे हराओ बोबो बॉय। बोबो बॉय बॉट पहले ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ओ नहीं, अब हम क्या करें? बोबो बॉट पानी 2.0। क्या ये सच में वही है? अब क्या? तुम सब मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम इतने मोटे क्यों हो गए? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉस। ये देखिए पानी का। हे बस करो, इस तरह किसी पर हंसते नहीं है। सुनो, तुम्हें और एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोबोट्स कब से एक्सरसाइज करने लगे? तुम एकदम बेकार हो। तुम अपने बोबो बॉट को कचरे में क्यों नहीं फेंक देते हैं? मुझे माफ कर दीजिए बॉस। यकीन नहीं होता बॉस, मैं बेवकूफ था जो तुमसे उम्मीद कर रहा था। तुम पानी से लड़ नहीं सकते और अब तुम अपनी पानी की ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर बॉस, मैं तो आपका सबसे अच्छा रोबोट हूँ ना। तुम तो खुद को बहुत ऑसम कहते हो ना। चुप रहो, मैं सबसे बेहतर हूँ और तुम ये बात जानते हो। तुम इससे बेहतर हो? इसके सर के कुछ स्क्रू ढीले हैं, पर कम से कम ये लड़ तो सकता है। पर तुम तो बिल्कुल बेकार हो। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि मैं कितना धमाला स्टिक हूँ। बहुत ही तेज बारिश। तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये क्या कर रहे हो? हो सकता है मैं अपनी पानी की ताकत काबू नहीं कर सकता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उन पर काबू करना होगा। अब पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी। शानदार बॉय बॉट, शानदार। बॉस, अभी तो आपने कहा था ये बेकार है। आवाज, मैं तुम सबको डुबो दूंगा। बिल्कुल, सबको डुबो दो। रुको, इसका मतलब तो मैं भी डूब जाऊंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अभी आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना। तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? पानी बढ़ रहा है। उसे रोको बोबो बॉय। लहरों की तेजी। मैं वाटर प्रूफ हो गया हूँ, अब तो मुझे नहीं रोक पाओगे। हे, तुम दोनों पानी से खेलना बंद करो। अरे हाँ, पानी बढ़ रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। प्लीज उसे रोको बोबो बॉय। मैं तो भूल ही गया, मैंने कपड़े सूखने के लिए बाहर डाले हैं। मामा जिला मुझसे नाराज होगी। अब हम क्या करेंगे? लगता है इसकी तो कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल ठीक, अब तुम भाग नहीं सकते बोबो बॉय। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मुझे इसकी कमजोरी मिल ही गई।
तुमने कब दिखाया बॉबो बॉय? अब मैं फिर से बॉस का फेवरेट रोबोट बन गया हूँ, लेकिन बॉस कहाँ गए? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ब्रो। सॉरी बॉस। सब खत्म हो गया बॉबो बॉट। तुम सच में इतना खास नहीं था। बॉबो बॉय आज के लिए शुक्रिया। बॉबो बॉय यू आर ऑसम। तुम्हारा जवाब नहीं। बहुत अच्छे बॉबो बॉय। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने बॉबो बॉट को हरा ही दिया। मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। हाँ, तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, शाबाश। देखा मेरा गाना बर्बाद नहीं गया, उसकी वजह से तुम में जोश भर ही गया। शुक्रिया पापा जोला, आपका गाना धमालास्टिक है। हाँ अच्छा हुआ तुमने बॉबो बॉट को रोक लिया, वरना पूरा शहर डूब जाता। हाँ उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी। मुझे भी भविष्य में आग और पानी की ताकत इस्तेमाल करने में डर लगेगा। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बेकाबू ना हो जाऊं। ज्यादा फिक्र मत करो नौजवान, क्योंकि इंसाफ तुम्हें ट्रेन करता रहेगा ताकि तुम अपनी ताकतों पर काबू पा सको। पर देखना स्कूल को जलाना या डुबाना मत। फिक्र मत कीजिए सर, बस आप ट्रेनिंग के पैसे मत लीजिएगा। इंसाफ कभी भी पैसे नहीं लेता, लेकिन हाँ मैंने अभी अभी अपनी एक नई सीडी बनाई है, वो मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 150 में। तुम सबको वो खरीदनी होगी। ओके धमाला स्टिक। है अडूडू और प्रोब कहाँ है? ये लीजिए, ये ड्रिंक पी लीजिए बॉस। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रो मेरा एक काम करोगे? हाँ बिल्कुल बॉस। जरा एक मिनट के लिए वहाँ खड़े हो गए। यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारी हार हुई है? मुझे पता है, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। तो ठीक है, बताओ ब्रो बॉबो बॉट को कैसे हरा सकते हैं? तुम्हें बॉबो बॉट की कमजोरी पर हमला करना होगा। उसकी कमजोरी क्या है? बॉबो बॉट की कमजोरी है पानी। पानी? हाँ तुम्हें पानी का इस्तेमाल करके उस पर हमला करना होगा। क्यों ब्रो, तुमने उन्हें बॉबो बॉट की कमजोरी के बारे में क्यों बताया? मुझे बॉबो बॉट से जलन हो रही थी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा बॉस, मुझे इसकी सजा दीजिए। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं बॉस? असल में तुम मेरे सबसे अच्छे रोबोट बनना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा बॉस। और वैसे भी अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरा तो अंत हो चुका होता। थैंक यू ब्रो। यू वेलकम बॉस। हाँ बहुत हुआ, अगर तुम्हें मेरा बेस्ट रोबोट बने रहना है तो तुम्हें बॉबो बॉय को हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा, समझे? ओह ये इतना मुश्किल भी नहीं है बॉस। आपको याद नहीं हमारे पास बागुबू है। जी पहले मैं गैर कानूनी हथियार बेचा करता था, पर अब मैं बदल गया हूँ। मुझे बहुत दुख है। ओ, दुखी क्यों हो? आप मुझसे वजह पूछ रहे हैं? असल में सर ये बहुत ही लंबी और इमोशनल कहानी है। वाह जी वाह, ये तो काफी महंगा लगता है। मैं गैर कानूनी हथियार बेचा करता था, इसलिए मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी और सबका बहुत बुरा नतीजा हुआ। ओ जी मेरे अपने रोबोट ने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया। ओ जी मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। कैसे हो लालची एलियन? अरे नहीं नहीं, मैं तुम सबके होश उड़ा दूंगा। जरा एक मिनट सर, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम होश उड़ाएंगे फिर बातें करेंगे। अब ये लो।
ओ नहीं नहीं नहीं, अब हम सब बचेंगे नहीं। ओ कोई बात नहीं, कम से कम अमीर बन के तो जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो सच में बहुत बुरा दिन था। 7 महीने 7 हफ्ते और 7 दिनों तक मैं हॉस्पिटल में था। तो जब तुम आराम कर रहे थे तब तुम्हें ये नया आइडिया आया? हाँ जी सर, सच में आपका जवाब नहीं है, और तो और आप अमीर भी हैं। अब दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। ये देखिए सर, ये आइडिया है एक बिजनेस प्रपोजल का, जिसका नाम होगा एलियंस के लिए एक शानदार हॉस्पिटल। उसे हम हेरम भी कह सकते हैं। हाँ, हेरम नाम का हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या खास होगा? इसमें क्या खास होगा? ओ जी, ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं होगा सर। इसका सिर्फ नाम ही खास नहीं होगा, ये हॉस्पिटल स्पेशलाइज करेगा जेनेटिक, मैग्नेटिक, साइबरनेटिक, बॉम्बास्टिक और फोटोसिंथेटिक में। मैं अपना पहला एक्सपेरिमेंट पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। सुपर इजो जो जो जो। ये बिल्कुल नई तकनीक का है। आप जरा इस पिक्चर को देखिए सर, ये पहले ऐसा दिखता था कि हवा में भी उड़ जाए, पर अब ये किसी राइनोसरस की तरह स्ट्रॉन्ग है। आप इसमें पैसा नहीं लगाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। ओह क्या बात है। ओह सर जी, ये बहुत ही कमाल का है, इसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। पहले ये सिर्फ स्कूल बैग उठा पाता था, पर पता है अब ये क्या उठा सकता है? पूरा का पूरा स्कूल, वो भी टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ। ये बहुत ही अमेजिंग है सर, यकीन मानिए। दिखने में काफी इम्प्रेसिव है, पर फिर भी कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे खुद ही इसकी काबिलियत परखनी होगी। नो प्रॉब्लम सर, आप जितना चाहे परख लीजिए। ओ तेरी, मैं वापस आ गया हूँ बोबो बो।